दिल्ली विधानसभा के चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी प्रचार में अक्रामकता बढ़ती ही जा रही है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव के लिए बीते दिन बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आम आदमी पार्टी के योजनाओं की आलोचना करने वाली बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी बड़े बड़े वादे किए हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो पर। सबसे पहला वादा, दिल्ली में होगी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। इसके बाद दिल्ली टैंकर माफिया से होगी मुक्त। 2 साल में दिल्ली होगी कूड़ा मुक्त। बिजली पानी पर सब्सिडी जारी रहेगी। नई कॉलोनी के लिए डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होगा। व्यापारियों में 1 साल में लीज होल्ड से फ्री होल्ड का काम पूरा। सीलिंग ना होने के लिए नियम और कानून में बदलाव। किरायेदारों के हितों की होगी रक्षा। जिनको गेहूँ मिलती है उन्हें 2 रुपए किलो मिलेगा आटा। हर घर नल से शुद्ध जल देने की योजना। दिल्ली में 200 नए स्कूल और 10 नए कॉलेज खोलने का वादा। आयुष्मान, पीएम आवास, किसान सम्मान निधि योजनाएं होंगी लागू। 10,000 करोड़ रुपए के खर्च वाले समृद्ध दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का होगा ऐलान। गरीब परिवार में बेटी के जन्म के वक्त खुलेगा अकाउंट। बेटी की उम्र 21 साल होने पर मिलेगा 2 लाख रुपए। गरीब छात्राओं को मिलेगी फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी। 9वीं क्लास में गए छात्रों को मिलेगा फ्री साइकिल। गरीब विधवा महिला की बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 51,000 रुपए। 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। युवा महिला पिछड़ा के कल्याण के लिए अलग से बनेगा बोर्ड। रानी लक्ष्मीबाई महिला सुरक्षा योजना होगी लागू। 10 लाख छात्राओं को मिलेगी सुरक्षा की ट्रेनिंग। दिल्ली यमुना विकास बोर्ड का होगा ऐलान। यमुना रिवर फ्रंट पर आरती होगी शुरू। रेहड़ी पटरी वालों को नियमित करने का होगा ऐलान। किसानों पर लगी धारा 33 और 81A होगी समाप्त। हर वार्ड में छात्रों के लिए बनेगी विशेष लाइब्रेरी। सफाई कर्मचारियों को एरियर का भुगतान। दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग और 1984 के दंगा पीड़ितों के पेंशन में होगी वृद्धि। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का होगा विकास। पुनर्वास कॉलोनियों को मिलेगा मालिकाना हक। स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा। फिट इंडिया प्लान को मिलेगी मंजूरी। और दिल्ली में ऑटो टैक्सी स्टैंड भी बनेंगे। तो ये है दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी का वादा। वैसे तो सभी पार्टी चुनाव से पहले तमाम वादों की पुल बांधती है, लेकिन एक आध ही वादे पूरे किए जाते हैं। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कुछ चीजों को फ्री करके दिल्ली की तस्वीर और तकदीर नहीं बदलेगी, हम तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं। अब देखना ये है कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये वादे किस हद तक पूरे हो पाते हैं। दिल्ली में 8 फरवरी को वोटिंग है और 11 को नतीजे आएंगे। देखते हैं इस बार दिल्ली की चाबी किसके हाथों में आती है। टीम खबर अपडेट।